और इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज लखनऊ दौरा भी है। 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन आज पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। पीएम मोदी के आगमन को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन को रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आईजीपी में विशेष लाउंज भी तैयार किया गया है। तो जहां एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी में संभल में मौजूद रहने वाले हैं, तो साथ साथ में लखनऊ का दौरा भी पीएम मोदी करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में मौजूद रहने वाले हैं। 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शुरुआत और उद्घाटन आज पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर फिलहाल शासन प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और उसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जहां आज संभल में पीएम मोदी का दौरा है, वहीं साथ साथ में लखनऊ में भी पीएम मोदी मौजूद रहने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां लगातार की जा रही हैं। आपको बता दें आज लखनऊ दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले, यूपी को 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे और इस दौरान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान लखनऊ में लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं पीएम मोदी। आपको यह भी बता दें कि इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे। तो पीएम मोदी आज संभल के साथ साथ में लखनऊ के दौरे पर भी रहने वाले हैं। इस दौरान वो लखनऊ में करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पीएम मोदी 10 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार होने वाले 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं और इसी बाबत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में 34 लाख से ज्यादा नौकरियां लोगों को मिलेंगी, रोजगार मिलने वाला है, खासतौर पर युवाओं को। सरकार का कहना है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अयोध्या, मथुरा, काशी समेत 8 धार्मिक स्थलों के लिए 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें अयोध्या, मथुरा, काशी के लिए करीब 40,000 करोड़ की परियोजनाओं में काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार के मुताबिक वाराणसी में 15,000 करोड़ से ज्यादा की 124 परियोजनाएं, अयोध्या में 10,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं और मथुरा में 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के द्वारा, जिसका आज उद्घाटन पीएम मोदी करते हुए नजर आने वाले। साथ साथ ही चित्रकूट भगवान बौद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल, खुशीनगर, प्रयागराज, मिर्जापुर और अलग अलग जिले मिलाकर 8 धार्मिक स्थलों में 86,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत होने वाली है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के लिए सौगातों का पिटारा लेकर आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शुरुआत होगी, न केवल लखनऊ बल्कि लखनऊ से सटे हुए कई सारे धार्मिक स्थल हुए, कई सारे जिले हुए, उसको इन परियोजनाओं का जो मुनाफा है, जो बेनिफिट्स हैं, वो नजर आ रहे हैं मिलते हुए। तो आज संभल में आधारशिला रखेंगे, पूजा अर्चना करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रधानमंत्री और कई सारे मंत्रीगण मौजूद रहने वाले हैं।